अभी ये जो मशीन है जेसीबी 3DX+, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ये BS4 है और 74 HP का इंजन आता है इसमें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सक्सेस है नहीं है, क्या कुछ है, रियलिटी में देखेंगे। अब हम इस मशीन पे आए हैं, मशीन की कंडीशन देख के आपको थोड़ा लगेगा कि दिखने में, क्योंकि वॉश नहीं किया है बस, और लगभग घंटा कितना हुआ है, इतने घंटे पे क्या कंडीशन है वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, ये लोडर बकेट है इसका, लगभग 1.1 क्यूबिक मीटर का आता है। और एक बात, कुछ लोगों को 49 HP और 74 HP में डिफरेंस नहीं पता चलता, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। 74 HP में ये हिस्सा आता है यहाँ पे, इसके अंदर फिल्टर्स लगते हैं, और 74 HP में यहाँ पे भी अलग आता है, CVV जो फिल्टर है ये 74 HP में ही आता है, 49 HP में नहीं आता है। और दूसरी एक पहचान करने की, मतलब पहचान कैसे करोगे कि भाई ये 49 का है या 74 का है, वहाँ पे देखो 3DX के नीचे प्लस लिखा है ना, तो प्लस जो है वो 74 HP में आता है, 49 HP में नहीं आता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है। ऊपर जाके क्या फीचर्स है वो भी दिखाऊंगा आपको, एक बार मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ मशीन। काफ़ी चला हुआ मशीन है, लगभग एक साल हो चुके हैं। तो 74 कुछ लोग जो बोलते हैं ना सक्सेस नहीं है, देख सकते हैं आप, ये वॉल ब्लॉक भी देखिए कहीं पे कोई लीकेज नहीं है अभी तक, पूरा नीचे से देखो ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता होगा हाइड्रोलिक पंप जो है वो ऊपर आता था, अब मशीन में जो है सिस्टम चेंज हो चुका है, हाइड्रोलिक पंप यहाँ पर आता नहीं है। इसका एक बेनिफिट हुआ है कि जब कभी आप हमारा जॉइंट टूटेगा तो हमारा हाइड्रोलिक पंप डैमेज नहीं होगा, ये एक बेस्ट किया है कंपनी ने। ये लोडर वाल ब्लॉक देख सकते हैं, कुछ सेंसर इसमें जुड़े हैं ठीक है, लेकिन कोई लीकेज नहीं है। यहाँ पर हैंड ब्रेक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूल फिल्टर दिया है एक कंपनी ने, और यहाँ पे नीचे गार्ड भी दिया है ताकि इसको प्रोटेक्ट करे, नीचे से डर लगता है ना आदमी को कहीं टूट ना जाए फिल्टर, तो ये इसके लिए दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे एक फिल्टर है, और इसके अंदर जो आपको दिखाया था टैंक में वहाँ पर भी एक फिल्टर है। बाकी ट्रांसमिशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, कुछ सेंसर और कुछ लोकेशन का चेंज है, बाकी कूलर की सिस्टम देखो, बाकी गियर का सिस्टम सेम है। तो यहाँ पर भी कोई बड़ा क्रैक डैमेज कुछ नहीं है। फ्रंट एक्सल का कंडीशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छा है। वहाँ पर इंजन, एक बार हम ऊपर जाके भी देखते हैं। यहाँ पे फुट स्टेप दिए हैं दो, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से ये अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, इस फैन को थोड़ा बंद करते हैं ताकि आपको आवाज नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये क्लस्टर मीटर है ठीक है, यहाँ पर आपको इंजन कितना घंटा चला है, 1623 घंटे हो चुका है ठीक है, तो अच्छा खासा चला है। यहाँ पे टाइम दिखाई देगा आपको, यहाँ पर डेट दिखाई देगी, यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हैं आप, लगभग 60% है अभी, मशीन चालू था हमने बंद किया है। फ्यूल लेवल देख सकते हैं यहाँ पे 1623 जो पूरा घंटा है। नीचे जो है यहाँ पर ट्रिप है, मतलब ये बटन जब आप दबाओगे तो यहाँ पे जीरो होगा और तब से स्टार्ट होगा, ये नीचे वाला ट्रिप है। और एक बार इस ट्रिप को बटन को दबाएंगे तो आज तक कितना किलोमीटर हुआ है, 4227 किलोमीटर हुआ है, ये यहाँ पर शो करेगा। तो ये सारे कुछ इसमें फीचर्स है, यहाँ पीछे का लाइट का बल्ट है, आगे के लाइट का बटन है, यहाँ पर ये जो एक फीचर आता है इसको दबाते हैं और चाबी निकाल के आप सब लॉक करके जाएंगे तो कुछ देर तक लाइट जो है लगती रहेगी। यहाँ पर दो मोड है, हाई और लो मोड, यहाँ पे आपका ऑटो स्टॉप होता है, तो इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो ये बटन दबा के आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं इसमें। तो मशीन का कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ ऐसे है, लगभग 1600 घंटे चला है, मुझे तो कोई मेजर डैमेज या कुछ ऐसा दिखा नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर के लिए चार्जिंग का पॉइंट दिया है, यहाँ पे कुछ मटेरियल रख सकते हैं आप, ताकि इस तरफ फ्यूज बॉक्स होता है, यहाँ पर भी मटेरियल रख सकते हैं आप, ये देखो। तो बस उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे आपको, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।